हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि घर बैठे आप एक फेशियल जैसा लुक कैसे पा सकते हैं, घर में एक ग्लोई स्किन और शाइनिंग स्किन और विद आपके फेयरनेस के साथ आप कैसे पा सकते हैं। तो उसके लिए मैं शेयर कर रही हूँ आपसे बेसन और हल्दी। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है बेसन, और बेसन के गुण तो सभी आप सबको मालूम है। और यहाँ पे हल्दी मैं ले रही हूँ, वो भी चुटकी भर हल्दी ले रही हूँ। और हल्दी का भी आपको सभी को इसकी क्वालिटीज़ पता है कि इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी स्किन के। ये एंटीबैक्टीरियल है, आपके पिंपल कील मुहासे सब दूर करती है, और प्लस आपकी स्किन में एक निखार लाता है। और बेसन आपकी स्किन की जो गंदगी होती है वो साफ करता है। ये समझ लीजिए एक तरह से आपका हर्बल सोप होता है। तो और इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ नाइट क्रीम, या फिर आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून इसे ऐड किया है, और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी इसको वेट बनाने के लिए। मैं इसको इसमें यूज़ करूँगी गुलाब जल। और अगर आपकी नाइट क्रीम थोड़ा सा लिक्विडी है तो आपको गुलाब जल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जो है क्रीम थिक है, जैसे कि ये मेरी क्रीम है, तो आपको उसमें ऐड करना होगा गुलाब जल। और गुलाब जल भी आपकी स्किन को बहुत ही फ्रेश देता है, आपकी स्किन के अंदर तक जाके आपकी स्किन के में एक फ्रेशनेस लाता है, आपकी स्किन पे एक ग्लो देता है, और साथ ही आपकी स्किन को ऑल ओवर बिल्कुल न्यू लुक देता है और शाइनिंग भी दे देता है। और ये पैक समझ लीजिए एक मिरेकल है आपके लिए, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, इस तरह से थिक पेस्ट तैयार करना है, और इसे आप अपने हाथ से या फिर ब्रश की मदद से आप इसे अपने फेस पे, आप कहीं भी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हाथ पे, पैर पे, आपको जहाँ भी ये जैसे उपटन होता है ये उस तरह से काम करता है। तो आप इसे अपने हाथों पे, पैरों पे, गर्दन पे, जहाँ भी कालापन है वो दूर कर सकता है ये। तो आप उसे अप्लाई कर लीजिए, और इसे आप 30 मिनट्स, और जब तक ये ड्राई नहीं होता तब तक इसे लगा के छोड़ देना है। आप इसे 1 आवर के लिए भी छोड़ सकते हैं। जितनी देर आपकी ये स्किन से लगा रहेगा उतने ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल वगैरह ये सब कुछ भी नहीं है। ये घर की चीज़ें हैं, जैसे कि बेसन, हल्दी और नाइट क्रीम। नाइट क्रीम तो आप सभी को मालूम है कि कितना हेल्पफुल होती है। तो बस हमें इस तरह का पेस्ट बनाना है, अप्लाई कर लेना है, और फिर इसे वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ये देखिए मेरी स्किन बिल्कुल स्मूथ, सॉफ्ट और ग्लोई सी हो गई है, क्योंकि नाइट क्रीम और बेसन दोनों का ही काम मॉइस्चर देना है। तो दोनों ही आपको स्किन को अच्छे से मॉइस्चर कर लेती हैं और एक अलग सा ग्लो देते हैं, और हल्दी से आपकी फेयरनेस में, आपके कॉम्प्लेक्शन में निखार आता है। तो फ्रेंड, इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई करें, और इस लॉकडाउन में जो है पार्लर जैसा निखार पाएं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।